नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज़। पटना के राजद कार्यालय के पास और तमाम जो BSCC के अभ्यर्थी है वो यहाँ पहुँच के, आपको हम बता दें BSCC के अभ्यर्थियों ने जो याचिका है वो कोर्ट में दर्ज की थी, उसके बाद जो याचिका है वो वापस लेने के बाद बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मिलने पहुँचे हैं। आइए, हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी हैं, उनसे बात करेंगे। आप लोग तेजस्वी यादव के गाड़ी के सामने आ गए थे, क्या बात है? क्या बोल रहे थे आप लोग? OBC के साथ अन्याय हो रहा है, क्या मामला है सर? मतलब नया एनसिल को मान नहीं किया जा रहा है जी। बोला जा रहा है कि 2014 का ही एनसिल चाहिए, लेकिन उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ नहीं है कि 2014 का ही चाहिए। और जो भी पिछली बार आया था सीजल का है, 2014 नहीं आया था, उसमें नया एनसिल को सेट करके दिया गया, लेकिन इसे बोला जा रहा है कि नहीं, न्यू एनसिल को मान नहीं किया जाएगा, वो एनसिल नहीं देना है। सिर्फ OBC के साथ ही ये परेशानी है या फिर तमाम जो लोग हैं उन सब के साथ भी यही परेशानी है? सिर्फ OBC के साथ हो रहा है और किसी के साथ नहीं हो रहा है। पूरे OBC में कितने अभ्यर्थी होंगे? लगभग 3 से 4 हज़ार स्टूडेंट होंगे जिसके साथ अन्याय किया जा रहा है। तेजस्वी यादव से मिले हैं, क्या कहा गया? सर तो मतलब बातचीत नहीं कर पाए पूरा ढंग से। विज्ञापन तो सौंपा है आप लोगों ने? हाँ सौंपे हैं, देखिए क्या उनका आशा है। मतलब हम लोग तो आशा लेकर आए हैं कि मतलब हम लोग साथ भलाई हो, प्रार्थना करते हैं कि न्यू एनसिल को मान करके मेरिट लिस्ट जारी किया जाए। विज्ञापन में क्या कुछ था लिखा हुआ? विज्ञापन में कहीं भी जिक्र नहीं है कि मतलब 31/10/2014 जो लास्ट डेट है फॉर्म करने का, उस तक मतलब चाहिए न्यू एनसिल। नहीं नहीं, तेजस्वी यादव को आपने जो विज्ञापन दिया उसमें क्या था? वही मतलब दिया गया है जो एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ था ना, वही दिया गया है। क्या कहिएगा बिहार सरकार से या फिर BSCC विभाग से? यही कहेंगे कि मतलब कि न्यू एनसिल को मान करके मेरिट लिस्ट जारी किया जाए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है देवेंद्र कुमार, जहानाबाद से आए हैं। बिल्कुल, देख सकते हैं तमाम जो BSCC के अभ्यर्थी हैं तेजस्वी यादव को घेर लिए थे, उसके बाद जो विज्ञापन है वो BSCC के अभ्यर्थियों ने तेजस्वी यादव को दिया है। तेजस्वी यादव ने आश्वासन भी इन लोगों को दिया है, लगातार ये लोग आंदोलन करते प्रदर्शन करते हैं। मेरा नाम दिवेश कुमार हुआ। क्या मामला है दिवेश जी? मामला ये है कि जैसे देखिए BSCC CGL 2 और BRSSC दोनों एक ही समय बहाली आई थी, जबकि CGL 2 में न्यू NCL को वैलिड किया गया था। ये BRSSC 2014 की जो बहाली है इसमें कहता है कि न्यू NCL को हम मान नहीं करेंगे। क्या मतलब सेम बहाली, सेम दोनों का नोटिफिकेशन भी, सब चीज़ सेम, लेकिन एक में मान रहे हैं आप, एक में कहते कि नहीं सब चीज़ हो गया, डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन भी, आप कहता कि न्यू NCL को हम वैलिड नहीं करेंगे, यही बात है। आप भी आए हैं, राजद कार्यालय पहुँचे हैं तेजस्वी यादव से मिलने, क्या कहिएगा? उनको यही NCL के मुद्दा को कहना है, उनको यही कहना है कि ये जो इंटर स्तरीय प्रथम स्तरीय है, जो इंटर स्तरीय वैकेंसी है, इसमें आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा रहा है आयोग के तरफ से, क्योंकि वो मांगा ही नहीं गया था जिस वक्त फॉर्म भरने वक्त, उस वक्त मांगा नहीं गया था। आप पुराने वाले खोज रहे हैं तो कहाँ से लाएगा कोई स्टूडेंट, वही मुद्दा है बस। देखा जाए तो लगातार बिहार विधानसभा 4000 स्टूडेंट के पास ये समस्या है। लगातार बिहार विधानसभा में आप लोगों का आवाज उठाया जा रहा था, विधानसभा जब सत्र चल रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ध्यान नहीं दे रही। सर पक्ष और विपक्ष क्या कहिएगा, दोनों का सेम ही रवैया है। तब भी आप विपक्ष के पास पहुँचे हैं? नहीं तो हमको तो सिर्फ अपना काम निकालना है ना, हम थोड़े हैं पक्ष के या विपक्ष के, हम थोड़े पार्टी, हम पार्टी के थोड़े कोई प्राथमिक सदस्य भी है जो हमको किसी से मतलब है। हमको तो सिर्फ आवाज अपना, अब एक मीडियम चुनना है वहाँ आयोग के, आयोग चूँकि अध्यक्ष मिलते नहीं, आज तक कभी नहीं मिले हैं,
पता नहीं वो कितने राष्ट्रपति हैं कि क्या हैं, चाहे अपने आप वो भी तो पढ़ लिख के आए हैं ना। कौन अध्यक्ष नहीं मिले? वो रविंद्र सिंह जी हैं। अच्छा। अभी तक नहीं मिलते, मिलना चाहिए उनको ना, जो वो भी पढ़े लिखे हैं। बीएसएससी के जो अध्यक्ष हैं जी, बीएसएससी के जो अध्यक्ष हैं रविंद्र कुमार सिंह, वो सिर्फ अध्यक्ष जी जो हैं वही एनसीएल के विरुद्ध हैं। बाद बाकी उसके सचिव और उसके जितने स्टाफ हैं वो सभी पक्ष में हैं कि एनसीएल न्यू एनसीएल मान कर लीजिए, और जिसके पास ओल्ड है ओल्ड न्यू मिला के रिजल्ट दे दीजिए, क्योंकि इस वैकेंसी का 8 साल हो गया, बहुत कचरा हो गया है इसमें, बहुत क्या कहते हैं स्टार्टिंग में तो वायरल भी हुआ था, आप वही जानते होंगे जी, इसलिए हम लोग बहुत परेशान हैं। न्यू एनसीएल मान कर दे माननीय रविंद्र कुमार सिंह जी, बस वही है और कोई नहीं है। आप अपना नाम बताइएगा। अशोक कुमार। तेजस्वी यादव से मिलने आए हैं, क्या कहिए? सर तेजस्वी यादव सर यही बोलना चाहते हैं कि हम लोग को जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना होने दे, जो बीएसएससी आज हम लोग के साथ कर रहे हैं, और न्यू एनसीएल सर मान्य करते हुए हम लोग को रिजल्ट प्रकाशित किया जाए। एनसीएल के लिए एकमात्र छोटा सा कागज के टुकड़ा के लिए सर 8 साल की मेहनत हम लोग के लिए यूं ही बर्बाद कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए सर। उम्र भी पार करते जा रहा है, क्योंकि सर जब हम लोग फॉर्म भरे थे उस टाइम मुश्किल से हम लोग का एज हुआ था 18 साल, जस्ट एज हुआ था, उसमें हम लोग को एनसीएल के बारे में कुछ पता नहीं था कि क्या होता है नहीं होता है, उसके बारे में हम लोग या तो नोटिफिकेशन वैसा जिक्र भी नहीं किया गया था कि एनसीएल चाहिए ही चाहिए, फिर भी आज हम लोग को काउंसलिंग का समय है जो मांगा जा रहा है, तो ये कहाँ का न्याय है? आखिर हम लोग ओबीसी छात्रों के साथ ही ऐसा क्यों किया जा रहा है, जबकि और लोगों के साथ ऐसा क्यों नहीं है? इसका मतलब सरासर है कि ओबीसी के छात्रों के साथ टारगेट किया जा रहा है, ये बिल्कुल सरासर नाइंसाफ है। इसलिए अध्यक्ष महोदय से नम्र निवेदन है कि हम लोग को एनसीएल मान करते हुए सबको नौकरी दिया जाए, ज्वाइनिंग किया जाए। इसी वैकेंसी में जो है एससी एसटी को भी बोल रहे थे पहले अध्यक्ष साहब कि एससी एसटी को भी ओल्ड चाहिए, लेकिन वो सब हंगामा किए, एससी एसटी और दिव्यांग का तीनों का मान कर दिया, सिर्फ बीसी और ईबीसी स्टूडेंट के साथ ही ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष साहब? ऐसा अन्याय ना करें, इस वैकेंसी को आप क्लियर कर दें, फिर नेक्स्ट वैकेंसी से आप जो करना होगा कीजिएगा, लेकिन उससे पहले नोटिफिकेशन दे दें तब करें, क्योंकि हम लोग बहुत परेशानी में हैं। 28 साल एज हो गया है, एज ख़त्म होने वाला है जी। धन्यवाद। तो आपने सुना बीएसएससी के तमाम जो अभ्यर्थी है वो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मिलने पहुंचे थे, उनका साफ साफ बीएसएससी आयोग पर आरोप था कि जो आयोग है वो एनसीएल का मामला पहले नहीं लाई थी, लेकिन अब का देखा जाए तो एनसीएल का मामला ला दिया गया है, जिससे हमें बहुत ज़्यादा परेशानियां हो रही है। वहीं बात कर ले तो करीब 8 साल हो गए, 8 साल से हम परेशान चल रहे हैं, बहाली नहीं हो रही है, उम्र जो है वो पार होते हुए दिख रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से हम गुहार लगाने आए हैं और मांग करते हैं कि जल्द से जल्द हमारी बहाली हो। क्या कुछ कह रहे थे बीएसएससी के अभ्यर्थी, आपने सुना है? फिलहाल इस खबर में ताई, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें, बहुत बहुत धन्यवाद।